13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। आज 76 साल पाकिस्तान की आज़ादी को हो गए, लेकिन दिल्ली के दिल में एक सवाल आता है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, हमें यहाँ पर 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं केपी के से वापस आए हुए, लेकिन भाई क्या ही बताऊँ ना, गर्मी की वजह से इतनी बुंड हो चुकी है हमारी, इतनी बुंड हो चुकी है कि मैं क्या ही बताऊँ यार, इतनी गर्मी हो रही है। इन भोसड़ी वालों को मैंने कहा भी था, शफीक को भी मैंने कहा था, अमजद को भी मैंने कहा था कि भाई ये वाला महीना यहाँ पर तुम रुक जाओ। अभी हालत देखो भाई, हमारे पिंपल्स निकल आए हैं फेस पर, अफगानिया में हो गए, वेस्ट इंडीज के लोग हो गए। हाँ, कितने काले हो गए यार, यहाँ पर इतनी गर्मी है यार। ये देखो हमने बटन वटन खोल दिए हैं भाई गर्मी की वजह से, ताकि गर्मी कम हो। और अभी जा रहे हैं नहाने, पिछले कोई 8-9 दिनों से मैं नहाया नहीं हूँ, तो आज नहाने जा रहा हूँ। कपड़ों में इतनी बदबू हो चुकी है, कोई मेरे सामने अगर खड़ा हो जाए ना तो गिर जाएगा। इतनी मुझसे ना बहुत दूर दूर होकर घूम रहा है, तो 3 फुट दूर हो जाए। हाँ, तो आज है 14 अगस्त का दिन। 14 अगस्त पिछले साल तो मैंने हमारा गुजारा था अपने गाँव में, कहाँ पर, बठेला में, बहुत वहाँ पर तो इंजॉय किया था। लेकिन यहाँ पर कोई सीन नहीं लग रहा 14 अगस्त का, चारों तरफ भाई ये सिर्फ गर्मी नजर आई है और तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और यार यहाँ पर मेरे कैमरा को क्या हो जाता है यार। हाँ, इधर ठीक है ना, इस टाइप पर ठीक है, तो ऐसे चलते हैं। और नहीं यार, नहीं यार, क्यों यार, क्या हो गया है यार, कैमरा भी काम छोड़ दिया गर्मी में। कैमरा ने भी जवाब दे दिया कि भाई मैं भी काम कर। अच्छा, ये सूरज की वजह से, सूरज की वजह से, बात नहीं, व्लॉग तो बनाना है ना, कैसे ना कैसे भी व्लॉग तो बनाना है ना यार। हाँ यार, व्लॉग तो बनाना है, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चल, आगे चल भाई। हमारे साथ ना हर बार ही जुल्म होता है। बंद हो गया यार शफीक, क्यों यार, पता नहीं, गर्मी और ऊपर रही है, पर कोई इसने नायाब नहीं है। चलो आगे, आगे चल के देखें, आगे भी नहीं होगा, देखते हैं वहां पर आगे भी है, फिर आजादी पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमारा अपना मसला तो हल हो जाए। गाइस, तो जिस दूसरी जगह पर हम गए वहाँ पर भी ट्यूबवेल्स बंद थे, अब मजबूरन हमें यहाँ पर इस नलके पर ही ना, हाँ नहाएंगे तो नहीं, लेकिन हाथ मुंह धोना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में इतना आए हैं तो गर्मी का मुकाबला भी तो करना पड़ेगा ना। कैसा लग रहा है अभी, कुछ गर्मी ठंडी हुई? ठंडी तो हुई, मगर यार गर्मी बहुत है यहाँ पर, देखो सरसब्ज है हर जगह, और ये तो पेड़ पौधे हैं ना, इसकी वजह से भी ये जो हीट है ना वो निकल रहे हैं, इसकी भी गर्मी और ऊपर से भी गर्मी। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। ट्यूबवेल नहीं तो इसी से ही काम चला लो भाई, लेकिन ये बंदा चलाए कौन, अभी हाथ मुंह धो लिया कुछ गर्मी से ना, बच गए। अभी बात करते हैं 14 अगस्त पर, कहीं बैठ कर, ठीक है? A few moments later. हाँ, तो गाइस थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, थोड़ी साइड पकड़ के बैठ गए, हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं भैंसे खड़ी हुई है, सुकून वाली जगह है, यहाँ पर ठंडी हवा भी चल रही है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी फील हो रही है। तो अभी आते हैं 14 अगस्त पर। तो आज है 14 अगस्त 2023, आज पाकिस्तान हमारे इस दिन पर आज़ाद हुआ था, और मुबारकबाद आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर ना ऐसा कोई सीन नहीं रहता 14 अगस्त के हवाले से, कोई सेलिब्रेशन नहीं होती। उसकी दो सबसे बड़ी वजूहत है, एक वजूहत तो ये है कि हमारा जो सिटी है ना, गांव है, थोड़ा बहुत छोटा सा गांव है, जिसकी वजह से ना कोई इतना ज़्यादा मतलब सीन नहीं रहता। और पिछले साल जब मैं केपीके में था तो वहाँ पर बहुत अच्छी सेलिब्रेशन हुई थी, वो मैं लास्ट में वीडियो लगा दूंगा इसमें, ठीक है? तो आप वो भी ज़रूर देखना। और दूसरी जो मेन वजह है वो ये है कि यहाँ पर मुहर्रम का महीना चल रहा है, ठीक है ना? और मुहर्रम के महीने में ना ये 14 अगस्त भी आ जाता है, ऐसे कभी कभी होता है, कभी कभार हो जाता है, साल आगे पीछे हो जाता है, ठीक है? लेकिन तो उसी के एहतराम की वजह से यहाँ पर लोग ना इतनी इस चीज़ को तरजीह नहीं देती, और इतना कोई सेलिब्रेशन का सीन नहीं रहता यहाँ पर। ये 2 महीने इस्लामिक जो पहले 2 महीने ना, यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होती। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर जो है ना गम अय्याम के दिन होते हैं, हज़रत इमाम हुसैन जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उनके ऊपर जो तशद्दुद और उनके साथ जो जुल्म हुए ना, तो
उसमें शरीक होना हमारा भी काम है, क्योंकि अहल बैत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप हमारी खुशी में शामिल हुआ करें और हमारे गम में भी हमारे साथ शामिल हुआ करें। तो उसी चीज़ को ना लोग फॉलो करके इस चीज़ का एहतराम करते हैं और आज़ादी का यही सीन होता है। लेकिन मेरे मन में अंदर ही अंदर एक सवाल बहता है कि आज 76 साल पाकिस्तान की आज़ादी को हो गए, लेकिन दिल ही दिल में एक सवाल आता है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं? कहीं से लगता है हमें कि हम आज़ाद हैं, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? क्या ये जश्मगश जो महंगाई चल रही है, हमारे खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, मुल्क के साथ नाकामियाँ चल रही हैं और ग़रीबों के साथ नाजायजियाँ और नाजायजियाँ हो रही हैं, ठीक है, और दिन ही दिन जो गरीब है वो पीछे चलते जा रहे हैं और अमीर दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। यानी कि एक किस्म से गरीबी को ना मिटाया ही जा रहा है, गुर्बत को नहीं मिटाया जा रहा है, गरीब को ही मिटाया जा रहा है। तो आई थिंक कि मैं सोचता हूँ कि ये हमारी आज़ादी ना किस काम की नहीं है। हम किस तरीके से आज़ादी मनाएं, इस तरीके से खुद पीछे जा रहे हैं। हमारे साथ जो साथ वाली कंट्रीज थे वो भी हमसे डेवलप हो चुकी हैं, पता नहीं कहाँ जाकर पहुँची हैं, और हम वहीं के वहीं हैं, कुछ भी नहीं है भाई। हम किस चीज़ की आज़ादी मनाएं? ऐसा नहीं है कि हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है या हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। प्यार अलग बात है, मगर प्यार अलग बात है, वो होता है बिल्कुल, लेकिन अपने हुक्मरानों पर जब हम सोचते हैं ना, हमारी कायद आज़म ने तो हमें आज़ादी, कायद आज़म ने ना गौरों से मुल्क तो ले लिया लेकिन लोड़ों के हवाले कर दिया, उनको चलाना ही नहीं आ रहा इस मुल्क को यार। तो अल्लाह पाक खैर करे, हमारे मुल्क पे कोई अच्छा सा हुक्मरान नसब करे, ताकि हमारे मुल्क का भी ना जो बेड़ा गर्क हुआ है ना वो फिर से चलना शुरू हो जाएगी। तो शफीक पर आते हैं। शफीक, तुम्हारा क्या ख्याल है आज़ादी के बारे में, आज़ादी के बारे में? यार पता नहीं क्यों मेरी जबान आज ना थोड़ी बहुत हिल रही है, क्या सीन है? शफीक तुम बताओ, आज़ादी के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले यही सवाल है हमारे मन में कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं? हाँ, क्या हम वाकई ऐसे आज़ाद हैं, कौमें ऐसी आज़ाद होती हैं जैसे हम हैं, पाकिस्तान हमारा आज़ाद है? यहाँ पर कुछ अलग ही सीन चल रहा है। हमारे यहाँ जो हुक्मरान है ना, वो ना अपनी सीट पर, अपनी कुर्सी पर वो लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी पर जो है ना उस पर नज़र टिके रहे हैं कि यार हम ये कुर्सी लें, हम वो उसको दें, हम ये उसको दें। जो आवाम है ना उसको, उस पर कोई नज़र ही नहीं है, क्योंकि यार हुक्मरानों के पास तो 70-80 सालों के लिए जो गोदाम है वो, मतलब ना सारी उम्र के लिए उनके पास अपना खाना, रोटी राशन वगैरह हर सब कुछ है। भाई लंदन जैसे बड़े बड़े मुल्कों में उनके अपने, वही तो बता रहा हूँ ना, उनके लिए वो 7 जन्म तक जो उनकी जो औलाद आएगी ना वो सुकून से रह लेगी। मगर जो हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ जो कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जो वो एक एक दिन की जो एक वक्त की रोटी के लिए ना वो 7 मरतबा सोचते हैं कि अभी क्या करना होगा। एक टाइम का खाते हैं तो दूसरी टाइम का सोचता है। सोचते हैं कि हम कैसे करें, कैसे मैनेज करें उनके बच्चे। यार ऐसे आदत को में नहीं होती हमारे यहाँ, वो सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर कुछ तवज्जो नहीं है। आप पाकिस्तान में आए, चलो ठीक है, अभी आपने वो देखा था मसला इमरान खान साहब वाला, यार वो क्या मसला था? आप लोगों को सब कुछ पता होगा कि यार इतनी सी जो वो जो चोर थे, डाकू थे, ज्यादा मत बोल वरना ब्लैक वीडियो वाले हमें लेकर जाएंगे। कोई मसला नहीं है, हम खान पर मर मिटेंगे, मगर जो हक पे हो ना वो हमारा यही उसूल है कि यार देखो ना, जिस बंदे ने अपना करियर छोड़ दिया, जिसने तीन सबसे बड़ी हॉस्पिटल, तीन सबसे, यार उसकी हालत देखो ना, सी क्लास में उसे रखा गया। यार ये कोई पाकिस्तान का हुक्मरान के साथ ऐसे करते हैं, आजादी या किसी मुल्क के हुक्मरान के साथ ऐसा हुआ होगा? तुम्हें क्या लगता है? नहीं यार ये ऐसा किसी के साथ नहीं, यार गलत बात है। वी आर सॉरी बट वी आर बिहाइंड यू स्किपर। इमरान खान के हम पीछे, लेकिन क्या करें, इंग्लिश हमारी बर्दाश्त करने ना, क्योंकि हम किसी के बाप के नौकर नहीं है। हम अपने तरीके से इंग्लिश बोलेंगे, अंग्रेजों को क्यों फॉलो करें भाई? हम जो बोलेंगे वही हमारी इंग्लिश होगी, जिसको सुनना पसंद होगी वो सुनेंगे, जिसको नहीं होगी पसंद वो नहीं सुनेंगे। कहते थे हम तो हमें आज़ाद करके चला गया वो, ठीक है, मगर वो नहीं सोच रहा था कि मेरे बाद भी सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। वो जो मैं बताता हूँ, सब कहते ना कहते मर चुका है, कौन कहता है कायदम कायदे आजम जिंदा है? अगर आप सची में ये किसी को दोगे ना, वो आपके लिए सब काम करेगा। सिर्फ कायदे आजम के बारे में एक फेक बताऊं कि कायदे आजम दुनिया के, पाकिस्तान के आज भी ज्यादा से ज्यादा काम कौन करता है? कायदे आजम करता है भाई। कायदे आजम हमारे मन में जिंदा है, भुट्टो जिंदा है भाई, जिंदा है। तो अभी दूसरी अपडेट्स आप लोगों को बताता हूँ, वो दो अपडेट्स ये है कि मेरी जिम की अपडेट्स है कि 3 महीने में अपने सक्सेसफुली वर्स्ट कर चुका हूँ अपने चैलेंज से, क्योंकि मैंने खुद को दिया था चैलेंज, तो मैं याद है
महीने का, तो उसमें से एक महीना मैंने काफी स्ट्रगल की, तुम्हें पता होगा, देखी थी, ठीक है। उसके बाद हम एक महीना चले गए वहां पर केपी के, और एक महीना हमें यहाँ पर हो गया। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से यार मैं कुछ नहीं कर पाया, सच्ची बात है, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक महीना मन से किया एक्सरसाइज, यानी कि सक्सेसफुली ना मेरे 3 महीने पूरी तरह से वेस्ट हो चुके हैं। अभी मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो मैं कहता हूँ कि अपना ये चैलेंज ना फिर से स्टार्ट करूँ, और तुम लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया, और जल्दी से ना 1K सब्सक्राइबर करवा दो, उस पर हम एक अलग स्टोरी बनाएंगे इंशाल्लाह, और भी कुछ आने वाला है बहुत जल्दी, उसका वेट करना। हम कुछ स्टोरीज बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट आप लोगों को देना चाहते हैं। और डेली व्लॉग तो भाई मैं रोज़ कर सकता हूं, लेकिन मैं खुद नहीं करता, इसको पता है मेरे घर में रोज़ाना कितने फड्डे होते हैं। आज भी हमारे घर का ना स्टेबलाइजर खराब हो गया, दिन में तो 2-3 बार वो खराब होता है। घर में डेली व्लॉगिंग करना शुरू कर दूँ ना, तो मैं किसी चीज़ को कंटेंट बना सकता हूँ। एक तो गर्मी है, दूसरा मुझे ना ये डेली व्लॉगिंग करना मुझे आती नहीं है कि भाई क्या दिखाएं बंदा, रोज़ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो कोशिश करते हैं इसी गर्मी की वजह से भी आप लोगों को ये देखे पसीना आप लोग देख सकते हैं, इस गर्मी की वजह से भी आप लोगों को हम इतना कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह कुछ जैसे मौसम चेंज होगा ना, हम अपने कंटेंट पर और भी फोकस करेंगे, कोई नई चीज़ आप लोगों के सामने लाएंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आज़ादी मुबारक। पेशावर पार्क में सवाद का एक पार्क है, हमारे गांव में आए हुए मेरे साथ ये छोटे छोटे कज़न हैं, देखो बैठे हुए हैं, सब अपना अपना नाम बताए, हाय करो सब हाय करो। हाँ, तो कैसे हो?